बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब? आई होप यू फाइन। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद हैप्पी मूड। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ है CS604 की जो असाइनमेंट नंबर 2 है उसका सोल्यूशन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोगों को कम्प्लीट बताऊँगी कि कौन से सॉफ्टवेयर पर ये बननी है और कैसे बनानी है। आप लोग अगर वीडियो की न्यू है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल सके। तो ये जो सेकंड असाइनमेंट आप लोगों की बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि फर्स्ट असाइनमेंट थी, ठीक है। आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन जो है वो केयरफुली से रीड करनी है, डॉक्यूमेंट्स फाइल आप लोगों ने सबमिट करवानी है, सेम वही है जैसे कि फर्स्ट असाइनमेंट थी। उसमें भी आप लोगों ने अपनी ID और नेम जो है वो शो करवाना था आउटपुट में और उसका स्क्रीन शॉट जो था वो आप लोगों ने लेना था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोग बताती हूँ जो स्टेटमेंट हमें दी गई क्वेश्चन नंबर 1 में कि हमने एक सी प्रोग्राम राइट करना था जो कि विच परफॉर्म द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट एंड द चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। चाइल्ड और पेरेंट प्रोसेस के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है वो परफॉर्म करे, वो हमें इसी प्रोग्राम राइट करना था, ठीक है। थ्रू आप सिस्टम कॉल के जरिए पेरेंट एंड चाइल्ड प्रोसेस जो तो नीचे उन्होंने बताया हुआ कि क्या कौन से वो फंक्शन जो है परफॉर्म करें। पेरेंट का प्रोसेस जो है वो शुड राइट यूर वीडियो ID एंड प्रोग्राम नेम, ठीक है। अपनी स्टडी प्रोग्राम का नेम और अपनी वीडियो ID जो है वो राइट करेगा राइट सिस्टम कॉल के थ्रू पेरेंट प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद जो चाइल्ड प्रोसेस है, चाइल्ड प्रोसेस क्या करेगा, उसको वीडियो हमारी जो वीडियो ID होगी आप लोगों की और स्टडी प्रोग्राम जो होगा उसका नेम होगा, तो चाइल्ड प्रोसेस रीड सिस्टम कॉल के थ्रू उसको क्या करेगा, रीड करेगा, ठीक है। एंड फाइनली राइट योर वीडियो ID एंड प्रोग्राम नेम ऑन द स्क्रीन शॉट एंड राइट सिस्टम कॉल, ठीक है। तो ये था इसका उन्होंने बताया भी हुआ यहाँ पर डायग्राम के थ्रू। उसके बाद यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या करना था, उसका स्क्रीन शॉट लेना था, ठीक है। कंपाइल योर प्रोग्राम द रन प्रोग्राम, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये आप लोगों ने स्क्रीन शॉट लेके जो है ना वो अटैच करना था जैसे कि ये वाला, ठीक है। तो बिल्कुल फर्स्ट असाइनमेंट की तरह जैसे कि फर्स्ट असाइनमेंट थी उस तरह से ये आप लोगों का इंटरफेस होता है, आपके जो वर्चुअल बॉक्स होता है उसके अंदर आप विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो इस तरह का आप लोगों का जो इंटरफेस होता है, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने ये आप लोगों की जो है यहाँ पे फाइल आ रही होती है, इस फाइल पे आप लोगों ने क्लिक करके तो यहाँ पे कोड सारा राइट करना होता है और राइट करने के बाद आपको डेस्कटॉप पे ही इसको अपने कोड को जो है वो सेव कर ले .c के एक्सटेंशन से, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग टर्मिनल ओपन करते हैं, ठीक है। टर्मिनल जब ओपन करते हैं तो फिर आप जो है अपने ये आप लोगों का टर्मिनल ओपन होता है तो ये आप लोगों का इंटरफेस इस तरह का ओपन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग वो अपनी जो असाइनमेंट होगी उसको जिसे सी लिखेंगे और सेकंड असाइनमेंट .c जो आपने जिस असाइनमेंट को जो नाम दिया होगा वो आप लोग राइट करेंगे, ठीक है। और .c एक्सटेंशन मैंने बताया पहले कि .c एक्सटेंशन से आपने आपको फाइल को सेव करना वरना एरर दे देंगे, ठीक है। और आउट सेंकर, ठीक है, यानी कि असाइनमेंट का नेम। उसके बाद आप लोगों ने स्लैश और ./ डालना और फिर असाइनमेंट्स का नेम जो दिया होगा उसके बाद आप लोगों के यहाँ पे ये जो है आउटपुट शो हो जाएगी, चाइल्ड प्रोसेस और रीडिंग करेगा आपका स्टडी प्रोग्राम, ठीक है। तो उसका आप लोगों से स्क्रीन शॉट लेके अटैच करना होगा। उसके बाद यहाँ पे असाइनमेंट सबमिशन का यहाँ पे बताया हुआ डॉक्यूमेंट्स फाइल वो ये सारा और टेक स्क्रीन शॉट आप लोग कैसे ले सकते हैं, ठीक है। ये भी उन्होंने बताया हुआ इस पर कि जब आप विंडो को ओपन करते हैं तो यहाँ पे व्यू पे जाके तो ये स्क्रीन जो सारा सेम वही फर्स्ट असाइनमेंट में जैसे मैंने बताया था। उसके बाद ये जो उन्होंने ना लिंक दिए हुए हैं, ठीक है, आप लोगों को अगर कोई भी मसला आ रहा है आप लोगों को इंस्टॉलेशन में वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने में, डाउनलोड करने में, या उसके अंदर जो आपने फिर विंडो को इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो वो सारा इन तीन लिंक को आप सुन लेंगे ना तो आप अपने जो है वो PC के अंदर वर्चुअल बॉक्स और उसके अंदर विंडो को इंस्टॉल वगैरह करना सारा कंप्लीट इसमें प्रोसेस सर ने बताया हुआ है, ठीक है। ये लिंक ओपन करके आप सुन लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है अब हम लोग मैं आप लोगों को रन करके बताती हूँ कि आप लोगों ने कैसे इसको रन करना है और आप लोग सर कोडिंग शेयर करती हूँ, ठीक है। तो जो है सबसे पहले हम कोडिंग को देख लेते हैं, ये कोडिंग है इसकी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अपनी अपनी ID और आप लोग का जो स्टडी प्रोग्राम होगा वो ऐड कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग इसको ये इसकी आप लोगों को इसका नज़र आ रहा है, ठीक है, कोड यहाँ पे प्रिंट इसको करवाया गया है और उसके बाद
ठीक है, ये छोर सा इसका कोर था, आप लोग इसको देख लीजिए और राइट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने, लेकिन आपने यहाँ पे राइट नहीं करना, आपने उसके अंदर जाकर करना है, इसके अंदर, ठीक है। ये कोड आप लोगों ने यहाँ पे विंडो के अंदर ही सब कुछ करना है, और यहाँ पे फाइल ओपन करें और फाइल के अंदर कोड राइट करें, ठीक है। और कोड राइट करने के बाद आप लोग इसको डेस्कटॉप पे सेव करवाएं, ठीक है। कोई भी नेम दे दें, और डॉट सी एक्सटेंशन लाजमी यूज़ करनी है आपने, ठीक है, वरना एरर दे देता है ये, और ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें थी, अब मैं आप लोगों को रन करके दिखाती हूँ कोड को, ठीक है, और जो है आउटपुट आप लोगों को शो करवाती हूँ। सो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो हम जल्दी से अब देखते हैं कि कैसे आपने जो है इसको रन करना है, ठीक है। सो अगर आप लोग को कोई भी जो है हेल्प चाहिए, या आप लोगों को असाइनमेंट्स बनवानी होती हैं, तो आप नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में देखा करें, वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप भी होते हैं, फेसबुक भी लिंक होता है, वो आप ज्वाइन कर लिया करें वहाँ पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, और व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ चैनल पे। कोई भी जो है असाइनमेंट बनवानी हो, प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, तो वो आप लोग रब्ता कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर। सो अब हम जल्दी से मैं आपको रन करके दिखाती हूँ इसको, ये मैं आप लोगों को रन करके बताती हूँ, ठीक है। इसको स्टार्ट करना है, और ये प्रोजेक्ट मैंने सेव किया हुआ है, ठीक है, इस पर डेस्कटॉप के ऊपर शंकर असाइनमेंट्स डॉसी के नाम से, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको सेव कर लेना आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप टर्मिनल ओपन करेंगे, ठीक है, टर्मिनल ओपन करेंगे तो उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पे वो GCC राइट करेंगे, और अपनी फाइल जिस नेम से सेव करवाई होगी वो देंगे, और डॉसी और आउट फाइल नेम, ठीक है। उसके बाद एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद फिर आप लोग जो है डॉट स्लैश और जिस नेम से फाइल सेव होगी वो फाइल का नेम देंगे, तो देन जो है आप एंटर करेंगे तो आप लोग सामने जो है वो पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस जो है वो आप लोग की आउटपुट शो हो जाएगी, ठीक है। सो ये था इसका आउटपुट जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज़।